हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगीर आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 5, लीक पर चले, यानी कि परंपरागत रास्तों पे चले। तो पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम इनकी पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। ये कवि, पत्रकार और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर सन 1927 को हुआ था। साहित्य की हर विधा में कलम चलाने के साथ साथ इन्हें बहुमुखी प्रतिमा का धनी कहा जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी व प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन सी कविताएं लिखी वो देखते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी, नाटक, बाल उपयोगी साहित्य को भी अपनी अभिव्यक्ति दी है। 24 सितंबर सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घटिया, घंटिया, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोई मेरे साथ चले, धूप की लपेट और साहित्य अकादमी से पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनकी रचनाएं थी। अब हम आगे कविता शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कविता लीक पर वे चले, यानी कि परंपरागत रास्तों पर वे चले। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो रह के रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की, उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। इसमें कवि उन लोगों के लिए कहता है जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं और दुर्बल होते हैं, वही लोग लीक यानी कि परंपरागत रास्तों पर चलते हैं। जो कमज़ोर होते हैं और जो दुर्बल होते हैं, हारे हुए होते हैं, वही लोग परंपरागत रास्तों पे चलते हैं। ऐसे अनियमित पंथ प्यारे हैं, कवि को तो ऐसे ही रास्ते प्यारे हैं जो खुद के द्वारा बनाए गए हैं, वही रास्ते उसे प्यारे हैं। पीले बांस के झुरमुट की उनमें गा रही जो हवा, जो पीले बांस के जो झुरमुट है उसमें जो हवा चल रही है वो ऐसे बता रही है कि जैसे उसकी हवा ऐसे चल रही है जैसे कि वो हमारे सपनों को साकार कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरे, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा, गायक मंडली से थिरक अलहड़ हवा। तो पहले यहाँ तक पढ़ेंगे कि शेष जो भी है। अब हमें आगे ये बताता है कवि कि जो रास्ते में सीना ताड़ कर जो अमराई है यानी कि बाग के जो पेड़ है और आम के जो पेड़ है, आम का बाग जो सीना ताड़े खड़े हैं और ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष जो कि आकाश ऐसे खड़े हैं मानो जैसे कि आकाश को थामे खड़े हैं, और इनके जो पेड़ों की जो पत्तियां और शीर्ष है वो उनकी पत्तियां ऐसे लग रही हैं जैसे कि क्षितिज की झालरें लहरा रही है, उनकी झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा। उनकी झूमती हुई डाल पर जो पत्तियां हैं वो ऐसे खिलखिला रही हैं, ऐसे चंचल है, ऐसे मस्त हवा चल रही है जैसे कि मानो वो पूरे आकाश को थाम के खड़ी है। खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा, जैसे कि वो हवा को, हवा ऐसे हिल रही है, ऐसे गीत गा रही है जैसे कि फल आकाश को थामे, पेड़ आकाश को थामे खड़े हैं।
गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े लिटिले नदी बनने की प्रतीक्षा में, कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास जो संकल्प हमें, बस उसी के ही सहारे हैं लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि गायक मंडली आकाश में जो मेघ है वो ऐसे गायक मंडली की तरह ऐसे थिरक रहे हैं जैसे कि मानो वे वाद्य, जैसे मानो कि वे बाजे हो, राज बाजे बज रहे हो, वाद्य यंत्रों से बड़े टीले, जो वाद्य यंत्र हैं जैसे कि जंगल में जो बड़े बड़े टीले हैं वो ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो बाजे हैं, और आकाश में बादल थिरक रहे हैं, नदी बनने की प्रतीक्षा में, कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल। अंजूरी जल यानी कि जो मुट्ठी भर जल, जो थोड़ा जल है अंजूरी जल, वो इस इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो नदी बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास संकल्प हमें। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि हमें जो संकल्प है, हमारी जो इच्छा है वो ये है कि हमें परंपरागत रास्तों पे नहीं चल के अपनी इच्छा के अनुसार बनाए गए रास्तों पे चलना चाहिए, बस उसी के सहारे हैं लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, और रास्ते पे वही लोग चले जो वही लोग चलते हैं दुर्बल और हारे हैं, यानी कि परंपरागत रास्तों पर वही लोग चलते हैं जो अंदर से कमज़ोर और मन से दुर्बल और हारे हैं, ऐसे लोग परंपरागत रास्तों पे चलते हैं। इसमें कवि अपने लिए खुद के लिए ये कहता है और सभी को कहता है कि मंजिल पर वही इंसान पहुंचता है जो नए नए रास्तों की खोज करता है और आगे नए नए मार्ग बनाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जिन्होंने अपने परंपरागत रास्तों पे न चल के अपने रास्ते पे चले, अपने द्वारा खोजे गए रास्तों पे चलना चाहिए और नई नई खोज करके आगे तरक्की करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और आगे हम पढ़ेंगे देखो शब्दार्थ। इसमें देखते हैं लीक, जैसा कि हमने पढ़ा यानी कि पुरानी जो परंपरा, अनिर्मित जो बना ही नहीं, पंथ यानी रास्ता, साक्षी यानी कि गवाह है, झुरमुट यानी पेड़ों का समूह, शेष यानी बचे हुए, अमराइया यानी कि आम के बगीचे, क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं आपस में उसे क्षितिज कहते हैं, शोक यानी कि चंचल शरारती, अलहड़ यानी मस्ती और लापरवाह है, थिरकते यानी चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते, टीले ऊंची जमीन, मिट्टी या बालू का ऊंचा डेरा ढेर, अंजूरी यानी कि अंजलि या मुट्ठी भर, संकल्प यानी इच्छा प्रयोजन या विचार। ये थे बच्चों हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।